कॉमेडी कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। मुंबई शहर महानगरी मतलब बॉलीवुड, हर आदमी देखो मुंह उठाया चला आता बॉलीवुड में हीरो ने। किसी गांव का है, तुम तो सुंदर दिखते, बंबई होना चाहिए तुम्हें, बस टिकट कटाया चल दिया बंबई। यहाँ आके ऑडिशन में जाते हैं, चार पांच जगह लात खाते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि भैया वो गलती थी। तो कुछ तो वैसे राइटर बन जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड एक्टर, और कुछ ले आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अपने साइड में, वहां से बिल्डिंग बनाते रहते हैं, मजदूरी करते हैं। जो राइटर बनते हैं वो बेचारे बड़ी अजीब सी हालत में आ जाते हैं। राइटर बनने के बाद मतलब बाल तो सफेद कर लेते हैं, कुर्ता पहना शुरू कर देते हैं, लेकिन विचार तो आते नहीं है, तो वो धापा धोपी करते हैं। हाँ, वह अजाजे साहब की मतलब कितनी स्टोरियां ऐसे चुर गई हैं। हम उनके पास गए एक बार, अफसोस जताने, कोई आदमी मर जाता तो आदमी जाता है, कोई राइटर की अगर कोई कृति चुरती है तो उस पर अफसोस जताना पड़ता है। हम गए कि आपके देखा तो पूरी आपकी पिक्चर का कॉपी मार दिया। जिस तरह से कॉपी मारना को तो बुरी बात नहीं है, कॉपी मार तो दुनिया चला आ रहा है। अभी देखो डीवीडी से कितनी फिल्में बनती हैं, उजाने भी बनती थी, कब फिल्में इतनी जल्दी इंडिया आती नहीं थी, लोग देख नहीं पाते थे, चोरी पकड़े नहीं जाती थी। आजकल तो चोरी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं और कहते मैंने चोरी की है, और इसलिए राइटर को मैं राइटर नहीं मानता हूँ, इनको मैं चीटर मानता हूँ। ऐसे चोरी करना बहुत बहुत ही बुरी बात है, चोरी कर दिया थोड़ा तो अपना लगाइए। ये मतलब जो है अख्तर साहब भी बहुत परेशान है। तो वो राइटर जो है दुकान मतलब राइटर पहले राइटिंग करते थे, भैया स्क्रिप्ट है, आप फोन में बोलते थे आपको चाहिए नहीं चाहिए, अब वो तो दुकान ही खोल ली, वो स्क्रिप्ट टांग के खड़े हो गए हैं, कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए आइए मेरे पास, सब चोरी के।